दोनों को जोश देके पकाया है, पानी उबाल के अब हम इसे घी के साथ तल रहे हैं। और तलने के पीछे लॉजिक यही है कि हमें कीमा को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसमें बेहतरीन स्वाद निकल के आए। कभी की कुकिंग स्वादिष्ट होती है, उसका एक अपना ही टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो कीमा से हमें सारे पानी को सुखा लेना है अच्छे से। अब हम डालेंगे 8 ग्रीन चिली और स्लिप करके डालना अदरक के से भी साथ में कीमा के पत्ते। अदरक और ग्रीन चिली से कीमे में स्वाद अच्छा आएगा, इसका पूरा रॉ फ्लेवर जाएगा। डालते हैं उसे दही, दही लेंगे हम 80 ग्राम के आसपास। साथ में डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गैस के फ्लेम को स्लो करके अच्छे से चलाएंगे। दही डालने से कीमे में स्वाद आएगा और कलर भी आएगा। कीमा से पानी सूख गया है और लास्ट में अब यहाँ पे हम नमक का अंदाज लगा के नमक डालेंगे, क्योंकि पहले अंदाज नहीं लगता फिर वापस आपको नमक डालना पड़ता। सही अंदाज है नमक का, चला लेते हैं। उन्हें नमक भी मिला दिया है और मिर्च का रॉ फ्लेवर और अदरक का फ्लेवर भी कीमा में अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। जो मेन प्रोसेस है वो यह है कि हमें डालना है यहाँ पे घी, और हम ले रहे हैं 100 ग्राम देसी घी, और इसी घी में अब कीमा भुना जाए। डिश की खूबी यहीं पे है कि हम कीमा को अब अच्छे से भूनेंगे। हमने कीमा जो इस्तेमाल किया था चर्बी वाला था, फैट वाला था, और घी 150 ग्राम में टोटल 50 ग्राम हमने पहले डाला और 100 ग्राम यहाँ भूनने के लिए इस्तेमाल किया। जितना हम कीमा को घी में भूनेंगे उतना अच्छा स्वाद निकल के आएगा, और हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है इसे। अब हम डाल देंगे चॉप कोरिएंडर, इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और तवा कुकिंग की एक खूबी तो है जो हमने घी ऊपर से डाल के इसे तवा पे हम भून रहे हैं वो स्वाद को बढ़ाएगा। धनिया को अच्छे से मिला लेते हैं और अच्छे से भूनते हैं कीमा को। आप इस रेसिपी में कलेजी भी मिला सकते हैं, गुर्दा भी मिला सकते हैं, आप भेजा भी मिला सकते हैं। हमारा कीमा बन के तैयार है, आइए प्लेटिंग करते हैं और हम कीमा को सर्व कर रहे हैं।